कुंडलिनी जागृत प्राणायाम एंड योग। कुंडलिनी जागृत होता क्या है, आइए जानते हैं। कुंडलिनी जागरण का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति, सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति। दोस्तों, मैं संगीता चौबे योगा फॉर हेल्थ एंड ब्यूटी के चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कुंडलिनी जागरण है क्या। इंसान के भीतर बहुत ज्यादा ऊर्जा मौजूद है। कुंडलिनी जागरण का मतलब है आपने उस अपार ऊर्जा के इस्तेमाल का तकनीक पा लिया है। कुंडलिनी से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास होती है। ध्यान रहे, मूलाधार में कुंडलिनी है, मूलाधार चक्र में कुंडलिनी है। कुंडलिनी योग हमारे अंदर की ऊर्जा को जगाने और बाहर निकालने के लिए होता है। कुंडलिनी शरीर के सभी चक्रों को क्रियाशील करने का काम करता है। अगर आप भी कुंडलिनी जागृत करना चाहते हैं, तब नियमित प्रातः जल्दी उठें, रात में जल्दी सोएं, नियमित नियम के अनुसार योगा और प्राणायाम ब्रीदिंग टेक्निक के साथ करें। पूरा ध्यान अपने सांसों के ऊपर केंद्रित करें, सांसों को महसूस करें कि सांस आपकी सभी चक्र से होकर नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है। कुंडलिनी जागृत करने के लिए अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, सांसों को सभी चक्रों में से होकर प्रवाहित करना है, नीचे से ऊपर की तरफ प्रवाहित करना है, ध्यान सांसों के ऊपर केंद्रित रखना है। अगर हम नियम से प्राणायाम और योगासन करें, तब 6 मंथ से लेकर 1 ईयर के बीच में हमारी कुंडलिनी जागृत होती है, जागृत हो जाएगी। मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध अजान सहस्रार चक्र से सांसों को पास करना है। कुंडलिनी जागृत करने के लिए पद्मासन में अपनी बैक को स्ट्रेट करके बैठें, आंखों को बंद रखें, अपनी बैक को स्ट्रेट करके बैठना है। कुंडलिनी जागृत करने के लिए पैरों को फोल्ड कर ध्यान मुद्रा में बैठना है। सांस भरने के बाद ब्रीथ को मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध अजान सहस्रार चक्र से पास करते हुए ऊपर की तरफ ले जाएं। इस क्रिया को दोहराएं। पूरा ध्यान आप अपनी सांस के ऊपर केंद्रित रखें। कुंडलिनी जागृत करने के लिए आपको इसी प्रोसेस को दोहराना है। लगातार इसकी प्रैक्टिस करने से कुंडलिनी जागृत होती है। या तो लंबी गहरी सांस धीरे धीरे अपनी सभी साइकिल से भरें, धीरे धीरे छोड़ें। कुंडलिनी जागृत करने के लिए थोड़ा पेशेंस की जरूरत है, नियमित प्राणायाम करना है। अगर आप नियम से इस प्रोसेस से ब्रीदिंग टेक्निक के साथ प्राणायाम करती हैं, कुंडलिनी जागृत होने में 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक लगेगा, कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। कुंडलिनी जागृत के और भी बहुत सारे प्राणायाम और योगासन हैं, नियम से आपको उनको फॉलो करना है। कुंडलिनी जागृत करना बहुत ही आसान नहीं है, बहुत ही डिफ़िकल्ट माना गया है। बहुत कम लोगों की कुंडलिनी समय पर जागृत होती है। बहुत सारे ऐसे योगी हैं जो कि योगासन नियमित करते हैं, लेकिन उनकी कुंडलिनी जागृत नहीं होती है, क्योंकि वे कुछ भूल चूक करते आए हैं, उन्हें सही नियम मालूम नहीं है। योगासन तो सभी बताते आए हैं, लेकिन नियम के अनुसार योगासन बहुत कम ही बताते हैं। पश्चिमोत्तासन योगा पोज से कुंडलिनी जागृत होती है। अपनी लेग को स्ट्रेट करके बैठ जाएं, इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, एक्सहेल के साथ बॉडी को सामने ज्वाइंट लेग के ऊपर बेंड करें, नीज को फोल्ड नहीं करना है, हेड को अपनी नीज के ऊपर टिका कर रखें। इस पोज में रुकने से कुंडलिनी जागृत होती है, लेकिन पेशेंस की जरूरत है। अगर आप नियम के अनुसार पश्चिमोत्तासन योगा पोज पर ध्यान देंगी, इस पोज में रुकेंगी, तब कुंडलिनी जागृत अवश्य होगी। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों और बॉडी को ऊपर उठाएं, एक्सहेल के साथ वापस लाएं, इस पोज को दोहराएं। कुंडलिनी जागृत करने के लिए आपको हेड को बेंड कर नीज के ऊपर टिका कर ब्रीथ को होल्ड कर रखना है, इस पोज में रुकना है।
यह कुंडलिनी जागृत करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल पोज है। इस पोज में पेशेंस बनाए रखें। मैं आपको कोई भी गलत जानकारी नहीं दूंगी, यह सही जानकारी है। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों बॉडी को ऊपर उठाएं, एक्सहेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस लाएं।